हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपके अपनी दिव्यांश अग्रवाल, आप लोग देख रहे हैं दिवोस ब्लॉग। आज दिवोस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं मेरी स्किन केयर के रिगार्डिंग एंड ऑल्सो इस मॉनसून के मौसम में मैं ऐसा क्या यूज कर रही हूँ जिससे मेरी स्किन इतनी अच्छी स्पॉटलेस दिख रही है एंड ऑल्सो पिगमेंटेशन फ्री और पिम्पल फ्री दिख रही है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कैसा क्या यूज करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड ऑल्सो सनस्क्रीन, ये फॉर्मूला अपनाना है। क्लीन करो अपने चेहरे को, टोन करो, फिर मॉइस्चराइजिंग करो एंड सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट है। समझ रहे हो, मस्ट है आज के उसमें। अगर आप तो सनस्क्रीन विदाउट लगाए कहीं भी जा रहे हो तो मतलब ये समझ लो पिगमेंटेशन आनी ही आनी है आपको एंड ऑल्सो घर पर भी। तो इसीलिए मैं ये चारों स्टेप फॉलो करती हूँ तो मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं आपको लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ मैं कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं यूज करती हूँ मामाअर्थ का ऑप्टन फेस वॉश। ये वाला थोड़ा सा ग्रेनुलर है तो इसे कसकर बहुत से क्या करते हैं कसकर करते हैं तो वो चीज नहीं करनी, हल्का हल्का जेंटली वॉश करना है। ये अच्छा है फेस वॉश, मैं इसी को यूज करती हूँ, आती जाती भी हूँ तो मेरे पाउच में यही रहता है, मैं इसको यूज करती हूँ। आप थोड़ा सा ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं आज ग्रेनुलर्स वाला फेस वॉश नहीं यूज करना है तो नॉर्मल दूसरा स्विच कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सबका अपना अपना अलग अलग फेस वॉश है। तो फर्स्टली क्लींजिंग मैं इससे करती हूँ और सेकंड प्रोडक्ट टोनिंग। तो टोनर लगाना भी जरूरी है। टोनर क्या वर्क करता है हमारे फेस पर, टोनर हमारे जो हमारी टोन होती है उसको टोन करने में मदद करता है, मतलब जैसे स्किन के सेल्स हैं वैसे ही रहें, इधर उधर गड़बड़ ना हो, समझ रहे हो। हाँ, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये है टोनर। मैं द मॉम्स एंड को का टोनर विटामिन सी का यूज कर रही हूँ रिसेंटली, तो ये मेरा आधा भी हो चुका है, बहुत कम रह गया है। मैं इसी को यूज कर रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद आया मैं इसको जब से यूज कर रही हूँ। इससे पहले मैंने गुड वाइब्स का भी यूज करा था कुकुम्बर टोनर, वो मुझे इतना खास लगा नहीं तो मैंने स्विच करके फिर इसको मंगाया था। ये अच्छा है मेरे फेस के अकॉर्डिंग, अच्छा है और आप लोग अपने टोन के अकॉर्डिंग सजेस्ट कर लीजिए या फिर जो आप यूज कर रहे हो उसी को यूज करते रहिए, बट करिए। और नहीं तो फिर मैं क्या करती हूँ जनरली कि घर का ही कुकुम्बर टोनर बना लिया। अगर आप लोगों को चाहिए हो वीडियो कि घर पे कुकुम्बर टोनर कैसे बनाते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। और चार जन 50-50 रहता है मेरा रेशियो किस चीज का, कि 50 प्रोडक्ट्स यूज करना बाहर के और 50 घर के ही प्रोडक्ट्स यूज करना। हम लोग केमिकल बेस्ड ज्यादा होते हैं, बहुत से लोगों की इतनी सेंसिटिव स्किन है कि वो लोग यूज कर ही नहीं सकते कोई भी प्रोडक्ट, तो वो लोग घर के प्रोडक्ट यूज करें जैसे कुकुम्बर टोनर घर का हो गया और उन लोगों को उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए अब वो लोग तो वाटर से भी होती है, बहुत लोगों को तो सेंसिटिव स्किन इतनी होती है तो वो लोगों का यही है कि वो लोग कुछ यूज ना करें, डॉक्टर बेस्ड ही चीजें यूज करें, डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं वही चीज यूज करें। तो क्लींजिंग हो गई, टोनिंग हो गई, अब रह गया मॉइस्चराइजर एंड ऑल्सो सीरम भी बहुत लोग यूज करते हैं। मैं सीरम यूज करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सा सीरम यूज करती हूँ। मैं अभी रिसेंटली ये वाला सीरम कर रही हूँ वीटा रिच, इसकी ये मुझे मॉम्स एंड को की तरफ से नहीं मिला है, ये मत समझना ये पेड या फिर इंक्लूड पेड प्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं है, ये मैंने अपना खुद से अपने पैसों से परचेस किया है और वहां पे मॉम्स एंड को की वेबसाइट पर बहुत अच्छे ऑफर्स भी चलते रहते हैं काफी हद तक, तो मैंने वहां से ये परचेस किया। इसका पहले मैंने रिव्यू करने के लिए या फिर देखने के लिए पहले मैंने छोटी बोतल मंगाई थी, 8 ml निकला था इसमें, मुझे अच्छा लगा। छोटी बोतल ही मंगाइए पहले, अगर आपको सही लगे तब ही बड़ी बोतल परचेस कीजिएगा। छोटी बोतल मंगाई थी, मुझे ठीक लगा तो मैंने पूरी यूज कर लिया, आप लोग देख सकते हैं ये भी खाली हो गया, सब साफ कर दिया मैंने। तो आप लोगों को छोटी बोतल मंगा के पहले चेक करना है, उसके बाद ही बड़ी बोतल मंगाइएगा अगर आपको ठीक लगे। जैसे जिसकी ड्राई साइड स्किन है या फिर नॉर्मल टू ड्राई साइड जाती है, जैसे मेरी स्किन है नॉर्मल टू ड्राई साइड जाती है, तो मुझे ये अच्छा लगा सीरम तो मैं इसी को यूज करती हूँ। और इसके बाद सनस्क्रीन यूज करती हूँ, तो सनस्क्रीन में जो भी इसकी यूज कर रही हूँ। इसके बाद अभी मैंने कोई और स्विच करी नहीं, मुझे यही अच्छी लगी तो मैंने यही यूज किया अभी तक। तो फिर अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ ये वाला आप ही के सामने, इसकी कंसिस्टेंसी में दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो कंसिस्टेंसी ऐसी आती है कुछ,
और जितना आपको ये थिक लग रहा है ना उतनी जल्दी एब्जॉर्ब भी होता है। जिसकी ऑयली स्किन है वो लोग मस्ट ट्राई करके देखें कि ये जितनी जल्दी आप लोगों को थिक दिख रहा है ना ये जितना उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होता है। मैं आप लोगों के सामने अप्लाई करके दिखा देती हूँ। जैसे ये आप लोगों देखा लगाया मैंने फेस पे, देखा कितना अच्छा ग्लोइंग चेहरा हो गया देखो। और जैसे आप इसको 2 मिनट छोड़िए फिर एकदम गायब हो जाएगा चेहरे पे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया अपने चेहरे पे। और हाथों से भी देखो सारा कुछ गायब हो गया। अभी आपको फर्क दिख रहा है विजिबिलिटी पहले के फेस में और आपके फेस में, ये देखिए। अब इसके बाद इसको 5 मिनट का थोड़ा गैप देने के बाद मैं इसके बाद सनस्क्रीन यूज करती हूँ अपनी, जो भी इसकी ये सनस्क्रीन लगाती हूँ और फिर इसके बाद मेरा स्किन केयर डन हो जाता है। मैं इतना ही यूज़